जी सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत और आज भी हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है पल पल दिल के पास। तो भैया नाम ही एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, रोमांटिक नाम है पल पल दिल के पास। तो ये फिल्म जो हम कर रहे हैं बिल्कुल फैमिलियर फिल्म है, लव हिस्टोरिकल फिल्म है। मैं इसमें प्रिंस सिंह राजपूत मैं लीड कर रहा हूँ, हमारे साथ सुभी शर्मा जी हैं, हमारे छोटा भाई राज यादव है, पूजा जी है, सीपी भट्ट जी है, सुशील जी हैं, संजय भैया है, ETC काफ़ी इसमें भी आर्टिस्ट हैं मार्केट के। तो प्रिंस जी ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी समय से इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि जो नए कलाकार हैं, जो भी और भी कलाकार हैं, 4-5 नाम ले लें, खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, दिनेश जी, यही रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री का अभी भी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया ऐसा बात नहीं है, ये तो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, इन लोगों तो देख के हम लोग सीखते हैं और कई हमारे नए कलाकार आज इन लोगों से प्रेरणा लेते हैं, इन लोग के एक्टिंग देखते हैं, इन लोगों से सीखते हैं और कई हमारे नए नए कलाकार काफ़ी आ रहे हैं। हमारे लगता है इंडस्ट्री में आज के डेट में काफ़ी फिल्म बन रही है जिसमें हमारे स्टार हमारे बड़े भाई लोग तो है भी, हमारे सब छोटे भाई, हमारे सिमिलर जितने आर्टिस्ट हैं बहुत लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। पर फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी निर्माता या निर्देशक होते हैं, जब भी कोई भोजपुरी फिल्म बनाने की चर्चा होती है, 4-5 बड़े ही नाम लेते होंगे या लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, क्योंकि स्टार भी स्टार ही होता है, तो ऑलरेडी ये लोग काफ़ी मेहनत किए, भी आज से नहीं है, ये हमको लगता है कि आज 15-16-13 साल से इंडस्ट्री में है लोग, तो भैया उन लोगों का हक बनता है कि जितने हमारे बड़े आर्टिस्ट है, बड़े कलाकार हैं, पवन भैया, दिनेश भैया, खेसारी जी, रवि जी, तो ये तो हक बनता है उन लोगों का। साई बंद्रा में अभी किस फिल्म की शूटिंग चल रही है? जी साई बंद्रा में हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा नाम है पल पल दिल के पास। तो आपके दिल के पास कौन है इस वक्त, कौन सी हीरोइन है? हमारे दिल के पास इसमें दो लोग हैं, सुभी जी है और पूजा जी। सुभी शर्मा जी आपके साथ हैं? जी सुभी शर्मा जी। हमको लगता है पहली बार काम कर रहे हैं उनके साथ। जी सुभी जी के साथ मैं पहली बार काम। कैसा लगा सुभी जी, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, सबके साथ काम कर चुके हैं जी, काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं जी, कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं बहुत ही अच्छा नेचर है, मैं सुभी जी से मैंने काम पहली बार किया हूँ लेकिन जान पहचान मिलना जुलना बहुत पुराना रिश्ता है हम लोग का, काफ़ी अच्छा नेचर है मैडम का, काफ़ी सपोर्ट करती है, अच्छा है। और कौन कौन सी फिल्में आपकी कंप्लीट हो चुकी है इस लॉकडाउन के बाद? जी लॉकडाउन के बाद अब मेरा नरसिम्हा जो कि अभी हाल ही में उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद से हम यार है तुम्हारे जिसका अभी ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, शादी के चक्कर में जो अभी रिसेंटली मैं करके आया, उसके बाद से मैं पल पल दिल के पास कर रहा हूँ, फिर देन ये 25 को पैकअप होगा, फिर मैं गोरखपुर में जा रहा हूँ। पल पल दिल के पास की हम बात करेंगे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है और कितने आपको कंफर्ट महसूस करते हैं? जी सुशील जी इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, जो कि प्रोड्यूसर नहीं भाई जैसे है, हमारे भाई रुस्तम भाई डायरेक्टर है कि जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है उनसे, तो दोनों काफ़ी अच्छे हैं और मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है इन लोगों से। रुस्तम जी सर फर्स्ट टाइम वर्क कर रहे हैं उनके, और आपका कम्युनिकेशन कोई ऐसा बताएं जो मज़ेदार हो? जी जी बिल्कुल, मतलब एकदम दोस्ती जैसा है, ये नहीं कि डायरेक्टर हमें हीरो, एकदम दोस्ती जैसा है, कोई भी सीन को हम लोग चुटकी में ऐसे कर लेते हैं, समझा देते हैं, मैं समझ जाता हूँ। इसमें जो हमारे कैमरा मैन है प्रमोद पांडे जी हैं, काफ़ी सीनियर कैमरा मैन है, उनके भी साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म के जो डांस मास्टर हैं आज गाना शूट कर रहे हैं जी, उनके बारे में बताएं। नहीं डांस मास्टर जी तो हमारे फेवरेट है प्रसून जी, अभी हम लोग अभी नरसिम्हा किए, मिशन पाकिस्तान किए थे, इंडियन किए थे, अभी रिसेंटली हम यार है तुम्हारे किए थे, तो मास्टर जी से मेरा पुराना लगाव है, वो हमको समझ जाते हैं, हम उनको समझ जाते हैं, तो ईजिली रहता है, बहुत अच्छा मास्टर जी है, काम बहुत अच्छे करा रहे हैं। सिनेमा आजकल लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बन रही है जी, और इसके बाद क्या कुछ प्लानिंग है फिल्म की? हाँ अभी के डेट में लगता है कि हम पूरी इंडस्ट्री में मिला के सबसे ज़्यादा शूट हो रहा है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में शूट है, हर जगह ऐसा कोई कोना नहीं है इंडिया में जहाँ पे शूट नहीं चल रहा है, हम लोग भी उसमें कर रहे हैं, अभी मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से, जब 25 को मेरा पैकअप होगा सीधे मैं गोरखपुर में जाऊँगा, गोरखपुर में नेक्स्ट फिल्म है वहाँ पे करेंगे। उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? जी उसके डायरेक्टर हमारे अजय गुप्ता जी है, जिन्होंने अभी मैंने उनके साथ फिल्म किया था हम यार है तुम्हारे, उनके प्रोड्यूसर है मनोज पंडित जी है, संदीप जी उनके प्रोड्यूसर है। यूपी में शूट करना आज में कितना कंफर्ट है? यूपी में हमको लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कंफर्ट है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट है तो यूपी से है, मैंने तो यूपी में सारी फिल्में मैं यूपी में शूट करता हूँ, बहुत अच्छा वहाँ लगता है, बहुत सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट है, प्लस जो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक होता है अपना फिल्म का लेके कि रिकवरी का लेके, तो वहाँ से सरकार सब्सिडी भी देती है, तो वहाँ से बहुत अच्छा है, हर मायने में यूपी बेटर है। भोजपुरी अभिनेता
और मेगा स्टार रवि किशन गोरखपुर के सांसद है, काफ़ी फिल्में वहाँ की हैं आपने, क्या कुछ रवि किशन से सपोर्ट मिला आपको? नहीं, सपोर्ट सरकार खुद दे रही है, रवि भैया सांसद है तो वो भी सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन वो एक हिम्मत होता है, वो बोलते हैं कि भाई मैं हूँ, कोई दिक्कत होना तो फ़ोन करना, यही मेरे लिए काफ़ी है। लोग आपको माफिया हीरो बोलते हैं, उस पर नहीं नहीं माफिया हीरो पता ना कैसे बोलते हैं भैया, मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, माफिया हीरो नहीं हूँ। इस फिल्म के बाद और एक फिल्म आपने बताया, उसके बाद फिर क्या प्लानिंग है आपकी? उसके बाद फिर देन मई में एक फिल्म है भोजपुरी है, उसके बाद भैया एक मैं साउथ की बड़ी फिल्म कर रहा हूँ जो कि जून जुलाई में ऑलमोस्ट वो चालू होगा फिल्म। इस सिनेमा आपका जो ये है कब तक बन कंप्लीट हो सकता है? ये तो हमारा 25 तारीख तक फिल्म का पूरा 16 दिन का शेड्यूलिंग है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, सुना हूँ कि खेसारी जी भी एकदम टाइम टू टाइम 6 बजे का कॉल टाइम रहता है तो 6:45 बजे आ जाते हैं। मैंने सुन सुन के मैं एक फार्मूला मैं भी अपना लिया हूँ कि वैसे ही मैं भी करता हूँ कि भैया 6 बजे का टाइम रहता तब, क्योंकि उन खेसारी जी हमारे सीनियर आर्टिस्ट है और उनका मार्केट में बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब रिव्यू है, सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते हैं कि खेसारी जी ऐसे स्टार है जिनको 7 बजे कॉल टाइम दिया जाता है तो 7:30 बजे पहुंच जाते हैं, तो मैं सुन सुन के मैं भी सीखा हूं और मैं फॉलो करता हूं, मैं भी 7 बजे कॉल टाइम रहता है ना तो 7:45 बजे मैं आ जाता हूं और जब तक वर्क होता है मैं बोलता हूं करिए, जितने कम दिन में अगर फिल्म कंप्लीट हो जाएगी प्रोड्यूसर का इससे भी फायदा है, तो हम लोग 16-17 दिन में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो प्रोड्यूसर को परेशान करते हैं और टाइम से शूटिंग पर नहीं आते हैं, उनके बारे में कुछ सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, प्रोड्यूसर है तभी आप स्टार हैं, हम हो चाहे बड़ा स्टार कोई भी हो, प्रोड्यूसर है तभी तो है ना, तो प्रोड्यूसर की भावनाओं को आप लोग समझिए, वो जो कॉल टाइम हमारे डायरेक्टर देते हैं उस कॉल टाइम से पहुंचना, हमसे बहुत सीनियर है, बहुत नॉलेज है, लेकिन मेरे को जितना भी नॉलेज है मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो आप रहेंगे, हम रहेंगे या कोई भी टेक्नीशियन रहेगा, तो आप जो कॉल टाइम रहता है उस कॉल टाइम पर आप पहुँचिए और कोशिश करिए कि प्रोड्यूसर का जितने कम दिन में हम फिल्म शूट करके दे देंगे, यही मेन हीरोज होता है, जो मैंने खेसारी लाल जी को सुना है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसी को रियल हीरो बोला जाता है। हीरो का मतलब नहीं कि हमको कॉल टाइम दिया गया 7 बजे कि हम सुपरस्टार है तो आएंगे 3 बजे, ये कोई मतलब नहीं रहता, हीरो उसको कहा जाता है जो पूरी यूनिट को लेकर चलता है, पूरा टाइम से अपना फिल्म कंप्लीट करता है। आपके भी इतने पवन सिंह जी के होली के कई गाने रिलीज हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? होली के कई गाने रिलीज हुए हैं, आपने कभी सुना है? जी होली का मैंने खेसारी जी का सुना है, पवन भैया का सुना है। बेटर क्या लगा आपको? दोनों बेटर है, दोनों का फ्लेवर भी है, दोनों लोग का अलग अलग अपना फ्लेवर है, दोनों लोग का गाना हिट है, दोनों लोग का मिलियन में व्यूज है। आप विवादों में रहना कितना आपको अच्छा लगता है? नहीं नहीं विवाद से तो मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, लेकिन लोग विवाद में जोड़ देते हैं, पता ना क्या दुश्मनी होती है लोगों से। अच्छा। मेरा तो मैं सबका इज्जत करता हूँ भैया, मेरा सीनियर हो चाहे जूनियर हो, लेकिन अभी राजकुमार पांडे जी लाइव आकर के रो रहे थे खेसारी जी मैटर में, चिंटू जी मैटर में, काजल रगवानी मैटर में, ये सारा मामला चल रहा है, अगर आपको जानकारी हो तो इसको कुछ कहना चाहते हैं? नहीं हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इस समय मैं नहीं रहता हूँ, मैं एक अलग ही दिशा में चलता हूँ, लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं कि ये सब अब मैं क्या बोलूँ, सारे सीनियर है, बुरा लगेगा इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। काजल रगवानी जी के साथ कोई फिल्म आपने किया कभी? काजल जी के साथ मैंने कभी फिल्म नहीं की, ऐसा नहीं है कि करने का इच्छा है, संजोग बनेगा और प्रोड्यूसर साइन करे तो करेंगे करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ ना भैया, वो भी अपना कर रही, तो मेरा ये नहीं है कि मेरे को किसी का कि इनके साथ काम करना है इनके साथ काम करना है, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिसको फाइनल करता है, मैं हूँ जिसको फाइनल करूँ उसके साथ काम करूँगा। मैं देशभक्ति कुछ बातें हो जाए, क्या कुछ आप देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं एज ए हीरो? जी मेरी तो अधिकतर फिल्में में संदेश रहता है देश के प्रति ही रहता है, जैसे मिशन पाकिस्तान हो गया, इंडियन हो गया, नरसिम्हा हो गया, तो देश के प्रति तो हमारा रोम रोम है भैया, कहना क्या है, पूरा शरीर हिंदुस्तान है अपना। अभी जो फिल्म आज गाना शूट कर रहे हैं जी सुभी शर्मा जी के साथ में, क्या पहले में कोई रिहर्सल किया सुभी साथ में? सुभी जी के साथ में रिहर्सल नहीं किया, लेकिन कंफर्ट है कर ले रहे हैं, वो भी मजे हुए आर्टिस्ट हैं, सब कुछ कर लेती हैं, मैं भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ वो कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में किस किस हीरोइनों के साथ अभी तक आपने वर्क किया है? मैंने वर्क किया है रूपा सिंह, रितिका जी, अमरपाली जी, और निधि झा जी है, यामिनी जी है,
कई हीरोइन हैं जिसका, और 5-6 लड़कियां हैं जिसके साथ मैंने काम किया। योगी जी उत्तर प्रदेश सब्सिडी के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं कि कलाकारों पर हमले नहीं हो, लेकिन इतना चीज़ करने के बाद भी कई कलाकारों पर हमले होते रहते हैं। तो भैया ये पब्लिक है, हीरो बनाती है वही और गिराती है वही, उसमें योगी जी का थोड़ी गलती है, आपका हमारा थोड़ी गलती है, वो पब्लिक है, आप जैसे करेंगे यही देकर जाना है भैया इसी धरती पे आपको। तो पब्लिक का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, तभी तो पब्लिक पत्थर मारती है, ईंटा मारती है या प्यार करती है। आप जैसे करेंगे वैसे ही पाएंगे ना, नेचुरल सी बात है। कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, बड़ा हो, सुपर स्टार हो, कौन कौन हो, हमको नहीं पता। आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में भोजपुरी फिल्मों की कोई भी सूझ नहीं लेती, वहाँ की सरकार, वहाँ शूटिंग नहीं होती है, वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, इस पर सरकार को कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल भैया, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मैं बिहार में पैर भी नहीं रखता हूँ। मैं बता दूँ, मेरे को बिहार भी जाना होता है ना, तो मैं लखनऊ फ्लाइट से उतरता हूँ, वहाँ से बाई रोड पटना जाता हूँ। और मैं तो बोलूँगा कि नीतीश जी को इस्तीफा देकर योगी जी को भी राजस्व पद देना चाहिए, और से कम नहीं 5 साल तो 2-3 साल योगी जी को रख के उनको देख लेना चाहिए कैसे सरकार चलती है। हमारे भोजपुरी बिहार के है, कोई सुविधा नहीं है भैया आज के डेट में, बिहार में कोई सुविधा नहीं है। सबसे खत्म स्टेट अगर है ना तो बिहार है। आइए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चाहे जो प्रशासन, उन्हीं लोग का तो चलते हैं ना, तो बिहार को मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। वहाँ भी तो मिली जुली बीजेपी की सरकार, फिर क्यों नहीं बीजेपी कुछ करती है वहाँ पर? अब यही तो सोचने वाली बात है ना, हमारे जो कप्तान है नीतीश बाबू, उनको सोचना चाहिए ना। बिहार अपना जाइए ना, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, हमारे योगी जी है, जाइए आज देखिए, जिधर देखिए उधर खाली काम में काम चल रहा है। अब बिहार में जाए तो खाली अब गारदा, अब दारू बोलते हैं कि लोग बंद है, और लोग घर घर दारू पी रहे, पाउच पी रहे, गाड़ी से घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस भी पकड़ती है, 500-1000 रुपया लेती है, छोड़ देती है, मतलब पूरा घुसखोरी, पूरा घुसखोरी और हर चीज़ समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं जंगल राज, जंगल राज जो 15-20 साल था उससे ज़्यादा जंगल राज तो आज के डेट में। दारू आप बंद किए जाइए ना, घर घर में दारू पहुँचती है, वहाँ जाने के बाद पूरा लोग देखता हूँ कि मैं दारू पीते हैं, पाउच पीते हैं, रोल कौन 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 सब दारू पीते हैं, तब क्या कहिएगा इसमें? तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम वहाँ के क्या। अब भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी के लिए तो कुछ सरकार सोचती ही नहीं है, पता ना क्या दुश्मनी है उसको, या तो ये चाहती है कि हमारे स्टार बिहार के बड़े हो जाएंगे तो खुद चुनाव लड़ेंगे या नेता लोग पिछाड़ देंगे, ये भी मानसिकता हो सकती है उनकी। सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव सारे बीजेपी में शामिल होने के बाद भी भोजपुरी 8वीं सूची में अभी तक शामिल नहीं हो पाई है, क्या इसके लिए? जी इस सिलसिले में रवि भैया से भी बात हुआ था, मनोज जी का भी एक इंटरव्यू देखा था, दिनेश भैया से भी अभी हम फिलहाल 10 दिन बैठे थे लखनऊ में, उनसे भी बात हुआ था। जब से इन लोगों तक आए, मान लीजिए 2-4-5 साल हुआ, हमारे जो भी है रवि जी हुए, दिनेश जी हुए, तो इन लोगों ने पूरा प्रोसेसिंग में डाल दिया है, जिसमें कि हमको लगता है कि 60% या 65% सब्सिडी के लिए प्रोसेसिंग चल रहा है। अब बचा है 30-35% वो भी ये लोग लगे हुए हैं, जब हमारे सारे आर्टिस्ट तो लोग कराएंगे ही करें, क्योंकि इन लोगों का चंद दिन अभी आया हुआ पॉलिटिशियन में। क्या पॉलिटिशियन जाना चाहते हैं आप? पोल्ट्री से तो मेरा शुरू से संबंध रहा है भैया, बचपन से ही पोल्ट्री से जुड़ा हूँ, लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ अपना कैरियर पर फिल्म का है। पोल्ट्रीस में तो आज नहीं कल हमको जाना ही जाना है। दर्शक कुछ ने पवन खेसारी जी के साथ आपकी फिल्म में कब तक आ सकती है? भैया वो लोग बड़े स्टार है, हम छोटे स्टार कहाँ काम कर सकते हैं उन लोगों के साथ, अगर कभी संभव बना तो करेंगे। क्या आप भी भविष्य में गाना गाना चाहते हैं? नहीं 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 भैया, मैं ये क्या बोलते हैं, मैं नॉट सिंगर, मैं सिंगर नहीं हूँ, और ये छाप हमको नहीं लेना है कि मैं भी एक्टर बनने के बाद सिंगिंग कर रहा हूँ, हमको नहीं लेना है। जो मैं कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ तो एक्टर ही रहूँगा, हम सिंगिंग नहीं कर, जिसमें गाना अच्छा आता है मैं गा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं गाऊँगा, एक्टर ही रहूँगा। रुस्तम अली जी के बारे में जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे फिल्म का? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, रुस्तम भाई के साथ तो मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, 2 दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि उनके साथ कई फिल्में किया हूँ, ऐसा रिलेशन होगा। हमारे यहाँ के ही है, गोपाल जिला साइड के, वो भी है, नेचर अच्छा है, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। दर्शकों से लास्ट क्वेश्चन जाते कुछ कहना चाहेंगे? जी हमारी फिल्म नरसिम्हा जो कि एक बहुत ही बड़े कैनवास में बनी है, आप लोगों ने बहुत तारीफ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस ट्रेलर को, इतना प्यार दिए, आशीर्वाद दीजिए। फिल्म भी बहुत जल्द आएगी सिनेमा हॉल में, उसका गाना भी एक एक करके रिलीज हो रहा है, तो आप लोग इस भाई को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी।